किसान भाई बहनी मजदूर साथी सब जन ला जय जोहार। आज हमारे मंत्रिमंडल के सब साथी मन उपस्थित थे नवा राजधानी में और सब विधायक मन भी जुड़े हुए, किसान भाई मजदूर साथी मन जुड़े, अधिकारी मन जुड़े हैं। ये कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय पी एस सिंहदेव जी, ताम्रध्वज भैया, रविन्द्र चौबे जी, आदरणीय डॉक्टर प्रेम साहब टेकाम जी, श्री डहरिया जी, अकबर भाई, भाई जय सिंह अग्रवाल जी, अनिला भेड़िया जी, अमरजीत भगत जी, कवासी लखमा जी, गुरु रुद कुमार जी, उमेश पटेल जी, अमर प्रताप जी, आदरणीय सभी अधिकारीगण और जिलों से जुड़े हुए हमारे सभी विधायक साथी, भाई अंतिश जी, भाई चंद्रदेव जी, रेखचंद जी, इंद्र साह जी, कुंवर सिंह जी, लक्ष्मी ध्रुव जी, गुलाब कमरो जी, भुवनेश्वर यादव जी, भुवनेश्वर बघेल जी, मोहित राम करकेट्टा जी, एम आर निषाद जी और सभी अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों और सभी साथीगण, 24 तारीख को दीपावली और इसीलिए 1 नवंबर को जो किसानों को हम लोग तीसरी किस्त देने का फैसला किया था उसमें संशोधन करते हुए 17 अक्टूबर यानी कि आज किसानों के खाते में, गौपालकों के खातों में, मजदूरों के खाते में और जो हमारे बैगा गुनिया हाट पारिया मोहरिया इनके खाते में लगभग 1900 करोड़ राशि आज अंतरण किया गया। आप सबको मैं बधाई देता हूं इस फैसले के लिए, मंत्रिमंडल के साथियों को बधाई देता हूं और अधिकारियों ने तत्परता से कार्रवाई की इसके लिए भी उन्हें शुभकामना देता हूं और सभी किसान भाई मजदूरों को, गौपालकों की भी बहुत बधाई। अब दीपावली बहुत नजदीक है, पटाखा भी लेना है, बच्चों को नए कपड़े भी खरीदना है, मिठाई भी बनाना है, घर के रंगाई पोताई भी करना है और साथ ही दीपावली के तैयारी के साथ साथ खेती की भी तैयारी हम लोगों को करना है। तो ये दीपावली बहुत बढ़िया बीते इसलिए सरकार ने ये फैसला किया है। तो आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आज 10 नए अनुभाग और 25 नई तहसीलें की शुरुआत भी की गई, इसके लिए भी मैं बधाई देता हूँ सभी को। नामांतरण की प्रक्रिया सरलीकरण के लिए नामांतरण पोर्टल के नए संस्करण के शुभारंभ भी आज किया गया, इसके लिए भी बधाई। साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना में अब किसानों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है। कहा 2017 में 15 लाख के आसपास किसान थे, आज 24 लाख किसान हो गए और ये धान की खेती का साथ ही जो कोदो कुटकी रागी मक्का गन्ना वृक्षारोपण अन्य जो सुगंधित धान के फसलें ले रहे हैं उसमें भी काफी वृद्धि हुई है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कृषि का रकबा भी बढ़ा है, किसानों की संख्या भी बढ़ी है। गौ पालकों में जहां हम लोग गोबर खरीदी की शुरुआत की थी उस समय बहुत सारे साथियों के मन में शंका थी कि किस प्रकार से खरीदी की जाएगी, किस प्रकार से व्यवस्था होगी और इसका फिर जब वर्मी कंपोस्ट बनाया जाएगा कैसे उसका वितरण होगा, उपयोग किस प्रकार से होगा। लेकिन 2 साल बीतते बीतते अब गोपाल जो गोबर विक्रेता गोपालक हैं उनके भी संख्या में वृद्धि हुई है, वर्मी कंपोस्ट के उपयोग करने वाले किसानों के भी संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग भी काफी मात्रा में लोग कर रहे हैं और उसका लाभ भी उठा रहे हैं और तुलनात्मक दृष्टिकोण से रासायनिक खाद और वर्मी कंपोस्ट की तुलना भी अब किसान करने लगे हैं, उसका लाभ किसान भाई ले रहे हैं। उसी प्रकार से जो भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना जो हम लोग राजीव जी के नाम से शुरू किए थे उस समय संख्या रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होगा बहुत सारी चर्चाएं हुई, लेकिन आज इस बात की मुझे खुशी है कि अब वो संख्या 4.5 लाख तक के पहुंच गया है और देश में पूरे देश भर में ये अपने आप में पहली योजना है जो मजदूरों के लिए लागू किया गया। और 7,000 रुपया जहां भारत सरकार किसानों को 6,000 रुपया सालाना दे रहे हैं,
छत्तीसगढ़ में मजदूरों को 7,000 रुपया सालाना देने का फैसला हुआ है और किस्त जारी भी किया गया है। बहुत सारे अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में बहुत सारे मजदूर साथियों को पता नहीं था, भेंट मुलाकात कार्यक्रम के माध्यम से भी हम लोगों ने जानकारी दी और उस कारण से जो पिछले समय पर 3.5 लाख कृषि मजदूर थे अब वो बढ़ के 4.5 लाख के आसपास हो गया है। तो ये संख्या और बढ़ेगी और इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ हमारे मजदूर साथी उठाएं, ये आप सबसे कहते हुए बहुत सारे योजनाओं के आज मूंग उड़द और अरहर के समर्थन मूल्य में खरीदी की व्यवस्था की गई है और इसके माध्यम आपको पहले ही पता है कि मिलेट्स यानी कि कोदो कुटकी रागी इसका समर्थन मूल्य, कोदो कुटकी का कहीं देश में समर्थन मूल्य घोषित नहीं, छत्तीसगढ़ सरकार ने इस समर्थन मूल्य घोषित किया 3,000 से ऊपर और उसमें खरीदी की भी व्यवस्था और उसके लिए जहां छोटे छोटे मिलिंग के लिए प्लांट लगे थे अब मिलेट्स के भी प्रोसेसिंग प्लांट, मतलब पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा मिलेट्स का प्लांट अभी नथिया नवागांव में हम लोगों ने शुरुआत किया 7 तारीख को ही और उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा हमारे कोदो कुटकी रागी के किसान भाई ले पाएंगे। अब हमारी सरकार ने मूंग उड़द और अरहर का भी समर्थन मूल्य में खरीदी का फैसला किया है जिससे किसानों के उत्पादन है उसका सही मूल्य मिल सके। यदि बाजार में ज्यादा कीमत है तो निश्चित रूप से किसान भाई बाहर बेचे और यदि उससे कम में बिक रहा है तो सरकार खरीदी की व्यवस्था की है जिसका ज्यादा से ज्यादा लाभ किसान भाई उठाएंगे, ऐसा मैं अनुरोध करता हूं। आज जो नए तहसील और अनुभाग बने हैं इसका भी लाभ हमारे चाहे गांव के हो चाहे शहर के हो सभी लोग उठाएंगे, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। दीपावली के समय अभी हम लोगों ने फैसला किया कर्मचारियों के डीए भी बढ़ाएंगे तो इसकी भी वृद्धि की गई है, उसका भी घोषणा कर दी गई है तो सबको भी मैं बधाई देता हूं कि पहले कर्मचारियों को 28% डीए मिलता था अब बढ़ के 33% कर दिया गया है, इससे निश्चित रूप से अधिकारी कर्मचारियों को उत्साह बढ़ेगा। मैंने इसका भत्ते की बढ़ोतरी 1 अक्टूबर से ही प्रभावी हो चुकी है इसलिए अधिकारी कर्मचारी दीपावली भी इस पर ज्यादा रौनक होने वाली है, मैं सबको बधाई देता हूं। पिछले साल हम लोगों ने 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था और 1 दिसंबर से खरीदी की शुरुआत की थी, इस साल फसल बहुत अच्छी है, बरसात भी खूब हुआ, सरगुजा संभाग में शुरुआत में कुछ कम बारिश हुई थी तो थोड़ी चिंता हो रही थी लेकिन बाद में बारिश हुई तो फसल भी उसमें जो कमजोर था वो भी संभल गया। तो इस साल धान 98 लाख से बढ़कर लगभग 1.5 करोड़ या 10 लाख के बीच खरीदी हम लोगों ने व्यवस्था की है और इस खरीदी की शुरुआत 1 नवंबर से की जाएगी तो किसान भाई इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सभी किसानों को मजदूर साथियों को गौपालकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और नए अनुभाग और तहसील बने उसके भी बधाई शुभकामना, नए पोर्टल की शुरुआत हुई उसके भी बधाई और डीए में बढ़ोतरी हुई उसके लिए भी बधाई। तो दीपावली के बधाई और शुभकामना, छत्तीसगढ़ सरकार ने दीपावली पहले सबके लिए राशि का वितरण किया है तो सबको बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी कहीं विराम देता हूं। हैप्पी दिवाली, शुभ दिवाली, माँ लक्ष्मी सभी पर कृपा बनाए रखे, धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय राजस्व मंत्री जी, सभी हमारे उपस्थित सम्मानित माननीय मंत्रीगण एवं जिलों से जुड़े हुए सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, माननीय विधायकगण, मुख्य सचिव महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार, सभी उपस्थित जनों का बहुत बहुत धन्यवाद।